जो अभी आप देख रहे हैं, जो ये सिलसिला चल रहा है, जो ये कारवा आगे बढ़ रहा है, थोड़ा नजदीक आ जाना, थोड़ा आवाज़ जाना चाहिए लाउडली। जो ये कारवा बढ़ रहा है, ये सिलसिला ना, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो थमने देंगे, या जो लोग हमारी टीम से जुड़े हैं ना वो थमने देंगे, और ना हम अपनी ओर से इसको थमने देंगे। साथियों, बहुत खुशी की बात है, आज भी लगातार दूसरे दिन 6 लड़के क्वालिफाई किए। कितने लड़के क्वालिफाई किए? थोड़ा लाउडली बोलो, 6। जोर से बोलो, 6 लड़के क्वालिफाई किए, जिनमें से 4 यहाँ पर उपस्थित थे। आप इससे देखे थे, एक दिन में 11 रिजल्ट मैंने दिया। ये मेरा भी सौभाग्य है, हमारी टीम का भी सौभाग्य है कि डेली का डेली जितना दिन फिजिकल चलेगा उतना दिन आपको मैं डेली रिजल्ट दूंगा, डेली दूंगा। आप देखते हैं, यही हमारी टीम की पहचान है, यही हमारी टीम की शान है, और हमारी पहचान सिर्फ और सिर्फ इनकी सफलता से होती है। और जो लोग वीडियो देखते हैं, यदि आप भी सफल होते हैं तो आपको भी, जो वीडियो देखते हैं लाइक मारते हैं, कमेंट करते हैं, अपना क्वेश्चन रखते हैं, वो भी मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से हाई जंप देखते हैं, एक्सरसाइज सीखते हैं, रनिंग करने की शुरुआत करते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी, और साथ ही साथ आपके माता पिता के लिए भी गर्व की बात होगी कि आप वीडियो के माध्यम से आप जहाँ कहीं भी हैं तैयारी किए, या हमारी टीम हमारी संस्था से जुड़कर तैयारी किए या तैयारी कर रहे हैं, और आपको आपकी मंजिल मिलती है। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, जो लोग जुड़े भी हैं उनके लिए भी सौभाग्य की बात है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी सौभाग्य की बात है। साथियों, ज़्यादा समय न लेंगे, आज ये 4 लोग देख रहे हैं, इनकी बातों को सुनेंगे, इनकी बातों से बहुत कुछ सीखने को हम सभी को मिलती है। सबसे पहले तो हम सभी जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, एक जोरदार ताली के साथ चारों भाइयों का स्वागत करेंगे। कृष्णा कुमार के लिए थोड़ा जिला कैमूर भमुआ, कैमूर भमुआ, ताली बजाओ मेरे भाई, जोर से ताली बजाओ, बहुत बहुत स्वागत है। नाम बोल बेटा जोर से, आशिक राज, वन डिस्ट्रिक्ट नालंदा, आशिक राज के लिए भाई को जोर से ताली बजाओ। नेक्स्ट, नाम बोल बेटा, वरुण कुमार, वरुण कुमार, डिस्ट्रिक्ट बोल बेटा, मुंगेर, अच्छा बेटा क्या नाम है, जोर से बोल, बोल जोर से, रोहित कुमार, रोहित कुमार जिला बोल, झारखंड से, झारखंड से है भाई गर्दा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और तूने जो विश्वास लेके चला होगा जब झारखंड से, जब गुरु जी के पास आया होगा ना, हो सकता है बहुत लोग बहुत प्रकार की बातें बोलेंगे, बिहार जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, मेरे को भी गर्व है और तुमको भी गर्व होना चाहिए। देख रहे हैं झारखंड से, क्या नाम है बेटा, रोहित कुमार, रोहित कुमार, उनको भी गर्व होगा और मुझे भी गर्व है अपने आप पे कि जो लोग, बहुत सारे लोग अदर स्टेट से आते हैं, एक उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ, एक जोश के साथ और एक जुनून के साथ कि हमको कुछ बनना है, हमको कुछ करना है, उस उम्मीद को, उस सपने को, उस माँ की टकटकी निगाहों को हम कभी भी ख़त्म नहीं होने देते हैं, और उनको उनकी मंजिल और उनके उस विश्वास को कभी ख़त्म नहीं होने देते हैं, और उनको उनकी मंजिल दिला के रहते हैं। तो रोहित कुमार के लिए भाई ताली बजाओ। साथियों, हाँ
आए थे, अभी तत्काल अभी पर्चा आ गया बंदा हमारा, हमारी टीम हमारी संस्था का पांचवा लड़का यहाँ उपस्थित है, छठा लड़का भी उपस्थित हमारी टीम में नहीं है। आज 6 सिलेक्शन हुए और बीते दिनों कितने थे, 11 ना, 11 थे, आपने वीडियो देखा था। और भाई के लिए तो ताली बजाओ। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? पंकज कुमार। डिस्ट्रिक्ट कौन है बेटा? नवादा। ताली बजाओ भाई के लिए, प्यार आशीर्वाद ऐसे ही आप लोग पे हमेशा बना रहे, सब भगवान का आशीर्वाद है। मेरा प्यार आप लोग के साथ था और वो प्यार ही आपको यहाँ घींच के लेके आया है। कोई बंगाल से है तो कोई झारखंड से है तो कोई बिहार के विभिन्न विभिन्न जिलों से, विभिन्न विभिन्न कोनों से, गांव देहात क्षेत्रों से आकर हमारे बीच आए हैं। तो ये मेरा भी सौभाग्य है कि आप लोग एक विश्वास के साथ आए, हमारी टीम हमारी संस्था से जुड़े। तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये लड़के बहुत कुछ बोलने के लिए उतावले हैं और ये लड़के भी यहाँ पर बैठ के किसी के लिए ताली बजाए थे और वो जोश जुनून लेके गए कि मुझे भी गुरुजी से माला पहनना है। ये बात था ना? यस सर। मुझे भी सर के साथ फोटो खिंचवाना है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग हमारी टीम हमारी संस्था से जुड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत सारी बातें सोच रहे होंगे अपने मन में। आपको भी आपकी मंजिल मिले इसके लिए मैं अपनी टीम गुरुजी की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई, प्यार, आशीर्वाद देते हैं कि आप जल्द ही सफल हो और आप भी हमारी टीम से जुड़े हैं। ये मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है ये है, लेकिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिले। मेरे भाई यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित है ये देख रहे हैं, 5 लोग, 1 बच्चा नहीं उपस्थित है, अपनी टीम की ओर से और इन सभी भाइयों की ओर से उनको भी ढेरों सारा प्यार आशीर्वाद और उनको भी बहुत सारी बधाई और उनके माता पिता को भी बधाई और आप लोगों के भी माता पिता को बधाई हमारी टीम गुरुजी को। जानते हैं सबसे पहले इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? जोर से वरुण कुमार। वरुण कुमार जो बंगाल से चढ़कर चलकर यहां पर आए, ट्रेनिंग किए और जानिए कि इस बंदे ने कितने में रनिंग किए, सुनिए इन्हीं के मुंह से सुनिए। बोल बेटा। सबसे पहले तो मैं 2 मिनट अपने मेरे पापा का सपना था कि मैं थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, कोई भी नौकरी लूँ, गवर्नमेंट होना चाहिए। तो आज मैं कुछ हद तक सफल हुआ, हालांकि कुछ नहीं, 100% कोई माई के लाल तुमको मेरिट से नहीं रोक सकता है, गुरु जी का वचन है, याद रखना, कोई नहीं रोक सकता है तुमको। हालांकि आज मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है कि वो मैं कहीं भी होंगे, मेरे मुझे आशीर्वाद देते होंगे। जब मैं रनिंग किया तो मेरे आँख से आंसू आया, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसे बताऊँ फ़ोन करके कि मेरा मतलब ये अच्छा दौड़ा हूँ वहाँ पे। पर फिर भी मुझे पूरा है कि मेरे पापा जहाँ भी होंगे, मम्मी जहाँ भी होंगे, मुझे ज़रूर आज खुश होंगे, आशीर्वाद देते हैं। और सेकेंड टाइम मैं कोलकाता में रहता हूँ भैया के साथ, तो मैं फर्स्ट टाइम जब वीडियो देखा गुरु जी का तो इनका बात इतना मीठा है, इनका प्यार मुझे यहाँ कोलकाता से पटना खींच गया। और गुरु जी का एक मतलब एक बताना चाहता हूँ सर का खासियत जो सबसे अलग देखे। मेरे पास 1,000 रुपया था तो मैं सर के पास आया, तो सर को बोला कि सर आपका चार्ज कितना है? सर बोले 2100 रुपया है। तो सर को हम बोले कि सर मेरे पास 1,000 रुपया है और आप मुझे कराएंगे? तो सर बोले कि तुम आ जाना। हम बोले कि 5 या 7 दिन में आपको बाकी का पैसा दे देंगे। तो हम सर के पास आए और 1,000 रुपया दिए, पर आज तक सर ने हमें दोबारा वो 1,000 रुपया हमें लौटाया भी नहीं, सर देते भी नहीं। गुरुजी की तो गुरुजी की। मुझे जब सैलरी मिलेगा, अगर मैं सफल हो जाऊँ, आगे मेरिट बन जाएगा, तो मैं सर के लिए उस सैलरी से जरूर कुछ लाऊंगा, ये मेरा तमन्ना है। और क्या बोलूँ, और रनिंग का बात बोलता हूँ, ये रनिंग आज मेरा टाइमिंग 4:43 पूरे 50 अंक फिजिकल में रनिंग में लाए हैं। वहाँ पे जब मुझसे पूछा गया, वहाँ पे एक लेडीज कॉन्स्टेबल थी तो वो अपना खाना मुझे दे दिए मेरा रनिंग देख। वहाँ पे लेडीज कॉन्स्टेबल पूछी बेटा तुम कहाँ ट्रेनिंग करते हो? तो मैं बोला कि पटना में एक गुरु जी हैं, उनका यूट्यूब में चैनल है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, वो मेरे गुरु हैं, मैं उन्हीं पास जाकर ट्रेनिंग करता हूँ। गुरुजी का मेरा
मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद था, इसके लिए मैं गुरु जी के लिए ताली बजाना चाहता हूँ। नंबर थोड़ा आप जान लें, बता दे बेटा कितना? मेरा 92 नंबर है। 92 नंबर, 50 रन इनको मिले रनिंग में, गोला में 25, गोला में पूरे 25 अंक। हाई जंप थोड़ा इसका पहले से ही वीक था, नहीं तो आज 100 में 100 होता। तो इनको कितने मिले? 92। हाई जंप कितना किया? 17। चार ही किए, तो इनको कितने मिले? 92। कोई माई के लाल, गुरु जी का वचन है, कोई माई के लाल तुमको मेरिट में नहीं छाड़ सकता है, और तुम जरूर सफल बनेगा। और तुम्हारे मम्मी पापा जहाँ कहीं भी होंगे वो आज भी खुश होंगे तुम्हारे इस कार्यों की वजह से। और हमेशा हम सभी जितने भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, आपके माता पिता को आत्मा को ऐसे ही शांति मिले, हम सभी उनके लिए नमन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, आप पे जैसा प्यार आशीर्वाद बनाते हैं। मैं भी एक बड़ा बेटा हूँ, हम पे ही पे भी आपके माता पिता का ऐसे ही आशीर्वाद रहे। और कुछ नहीं चाहिए भाई के लिए तारीफ हो जाए। 92 नंबर कोलकाता से आके ट्रेनिंग करना अपने आप में ये होता है, एक विश्वास होता है। हम मिलते हैं थोड़ा झारखंड से, थोड़ा बेटा ताली बजा रोहित कुमार के लिए, ताली बजा भाई। बोल बेटा। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जब मैं घर पे तैयारी करता था तो 6:30 में मैं मारता था, 6:30 6:40, मतलब मैं उम्मीद ही छोड़ दिया था कि मैं पास कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी जब सर का चैनल देखे तो हमको बहुत अच्छा लगा, तो सर के पास आए और हम ज़्यादा नहीं मात्र एक महीना तैयारी की और सर के पास, और आज मैं सफल हूँ। जब सबसे बड़ा हमको ये संस्था में आके हमको सबसे अच्छा ये लगा, शायद ऐसा संस्था में कोई और संस्था में ऐसा चीज़ नहीं बताता होगा, तो मैं बताता हूँ कि सर जो देते हैं विल पावर जो देते हैं, ऐसा कोई संस्था में मेरे ख्याल से नहीं देते हैं जो सर देते हैं विल पावर। क्योंकि शिक्षा तो सब देते हैं, लेकिन व्हील पावर जो सर बैठा के 1 घंटा जो समझाते हैं, अपना दिल संकट को अच्छा से कैसे मेहनत करना है, वो जो सर समझाते हैं हमको सबसे अच्छा यही लगा। और मैं जब 5 फीट जब मैं मारा 5 फीट, एक बार में जब 5 फीट मारा तो मैं फंस गया। फिर दूसरा बार में तो क्या किया, हम गुरु जी के अधीन नाम लिए और गुरु जी को दिल से याद किया, प्रणाम किया, और मैं मारा तो 5 फीट एकदम पूरा दम। और फिर जब मैं डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन जब करने गया, तो उस टाइम जब मेरा देखा कि 5 फीट है, तब मैम जो मतलब खुश होकर हमको एक नाश्ता दी थी। क्या बात है। टोटल कितना अंक है बेटा तुम्हारा? क्या बात है, ताली बजाओ भाई। आपको और आपके माता पिता को भी गुरु जी का प्यार आशीर्वाद हमेशा आप पे था, है और आजीवन रहेगा, समझ गए भाई। की ताली बजाओ, जोर से ताली बजाइए थोड़ा बहुत। पंकज कुमार ताली बजाइए, जोर से बजाना। मैं जब गया ग्राउंड के लिए जाने के बाद, मैं जिस टाइम वो बोला कि रेडी बोलेंगे जब जाना, तो मैं गुरु जी का अपना दिल से नाम लिए और उसी टाइम चल गए, वो बोले उसका बात निकले और सफल हो गए। और कृष्णा कुमार हम तो आस ही छोड़ दिए थे कि मेरा दौड़ निकल पाएगा, क्योंकि हम 1.5 महीना से दौड़ ही नहीं रहे थे। लेकिन इससे पहले गुरुजी के पास ट्रेनिंग किए थे, जो पहले वाला गुरुजी का जोश जुनून मेरे अंदर भरा हुआ था। 1.5 महीना से दौड़ नहीं रहे थे, गए ग्राउंड में तो सोच रहे थे कि दौड़ कैसे निकलेगा। मेरे दोनों घुटना में बहुत ज़्यादा दर्द था, सिर्फ एक दर्द की दवाई खाकर गुरुजी का जोश जुनून जो मेरे दिल में था
वहीं लेके चार राउंड तो मारे स्पीड में, पांचवा राउंड में लग रहा था कि रुक जाए, पूरा दर्द कर रहा था फिर भी, लेकिन गुरु जी बोले थे कि खून फेंक देना गर्दनी बाग में लेकिन रुकना नहीं है। क्या बात है, नाम बोल बेटा। आशिक राज बोल बेटा। मेरा शुरू में टाइमिंग जब गांव पे मारते थे लगता था 7:30 लगता था, मगर गुरुजी जोर से बोल बेटा थोड़ा, गुरुजी से बात किए फिर बोले सर कि आ जाओ, मेरे पास 20 दिन ही टाइम बचता था तो यहाँ आए, फिर गुरुजी से सलाह लेते रहे हमेशा, तो मेरा दौर बन गया। यहाँ मारते थे 50-55 में मारते थे, मगर वहाँ गए थे 5:39 लग में गए, थके भी लगा भी कि छोड़ दें, मगर फिर सोचे कि फिर भी अगर अगला बार रिजल्ट होगा फिर दौड़ेंगे, फिर तो दौड़ना ही पड़ेगा, इसलिए आज ही मेहनत कर लेते हैं। क्या बात है, मैं हाई जंप मारा 4-8 मारे और गोला 20+ किए। क्या बात, आप कैसा नंबर आए तो आप, और हम यहाँ इसलिए आए मतलब कि गुरु जी से एक बार मतलब कि गले मिला सके। गुरु जी का प्यार, गुरु जी हमसे नहीं मिले सबका प्यार आशीर्वाद है, सही बना रहे सबका, मेरा सब गुरु जी आपका प्यारे तो खींच कर लाया है, सारे कोई जरूरत नहीं है, बस दिल में हमेशा आप लोग का जगह था है और आज अगर आज हम फेल हो जाते तो ये मौका नहीं मिलता। क्या बात, ऐसा नहीं होता, हमको पता है ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुरु फेल करने के लिए नहीं बना है, मगर सर मेन बात है कि गुरु जी का हाथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मेरिट तो बनेगा, कोई नहीं रोक सकता, आप लोग निश्चिंत रहें। बहुत लड़का सब फेल कर रहा है, बहुत लड़का फेल कर रहा है। तो साथियों अभी आप देख रहे हैं 5 लड़के हमारे बीच उपस्थित है, छठा लड़का जहाँ कह रहे हो बेटा तेरे को भी ढेरों सारा प्यार आशीर्वाद ऐसे ही मिले, आपको भी और आपके मम्मी पापा को भी बधाई, हालांकि वो तो अगला दिन नेक्स्ट दिन जरूर आएगा, आपका वेट रहेगा, इंतजार रहेगा। जितने सारे लोग देख रहे हैं एक बार जोरदार पांचों पांडवों के लिए ताली बजाएं। आप भी देख रहे हैं, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होती है कि जब जाते हैं सोचते हैं कभी 2-4 मिनट का समय मिलता है तो अपने आप पर भी गर्व होता है कि नहीं मैंने ये कुछ किया है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ किया है, बहुत कुछ तो नहीं किए लेकिन कुछ जरूर किया है। जहाँ पर कहीं कुछ लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं, मैंने उस उम्मीद को जगाया है, तब जाके कोई झारखंड से आता है, कोई बंगाल से आता है, तो कोई बिहार के कोने कोने से आता है। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे बस ऐसे ही कहेंगे कि हम लोग का जो प्यार है, जो हम लोग का ये भगवान का आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद आप पे तो कुछ नहीं, बस हम लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे आजीवन, जैसे अभी है आगे ऐसे ही चलता रहे, आप लोग ऐसे ही खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब मौका मिले आप गुरु जी के पास जरूर जाना बेटा। तो भाई के लिए ताली जोर से बजाना, आप सभी को एक बार बेटा बोल भारत माता के, माता के, माता के, भारत माता के।